बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको चांद टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। जो मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करना, इनके जो मुआहदे, इनकी हंडिया बीच चौराहे में फूट चुकी है। ये हंडिया पक रही थी लेकिन अभी स्टार्ट हुई थी कि बीच चौराहे में फूट गई और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली ओहदेदारान को मिलने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर, इसके पीछे जो हकायक, मुकम्मल आज की वीडियो में हम डिटेल से आगाह करेंगे कि आलमी मंजरनामे में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अमेरिका, जो अरब ममालिक और पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया, तमाम अरब ममालिक पे प्रेशर डाल रहा था। इसके अलावा उन्होंने जो इसराइल को यकीन दहानी करवाई हुई थी कि आने वाले दिनों में 3-4 और अरब ममालिक आपको तस्लीम करेंगे, उन्होंने कैसे अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी डिटेल से आगाह करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी आपको डिटेल से आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने ये दावा, अमेरिका कर रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जैसे इसराइल को तस्लीम किया तो लहरें बहरें हो जाएंगी, रेल बेल पैसे की होगी, मुआहदे होंगे, टेक्नोलॉजी इनको मिलेगी, बहुत सारी इंटेलिजेंस सिस्टम, बहुत कुछ अरब अमारात को मिलेगा। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि आने वाले दिनों में, इसराइल ने भी कहा था कि और भी अरब ममालिक जो लाइन में हमारे साथ मिलने वाले। देखिए, सूरत हाल ये है कि नवंबर में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनका इंतखाबात वहाँ अमेरिका में होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो चूंकि इसराइली लॉबी अमेरिका में स्ट्रांग है तो जिस कैंडिडेट को इसराइली लॉबी सपोर्ट करती है वो कामयाब हो जाता है। तो इसराइल के लिए एक बेहतरीन मौका है इन दिनों अपने मुतालबात मनवाने का। अमेरिका को उसने आगे लगाया हुआ है, वैसे भी अमेरिका इसराइल की हर बात मानता है, आगे लगा के तो अरब कंट्रीज़ के ज़रिए अपने आम को वो इस इलाके में स्ट्रांग बनाना चाह रहा है, जो ग्रेटर इसराइल का उनका एजेंडा है, उस मकसद के लिए वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी वो तेज़ी से बढ़ना ही शुरू उसने किया था कि उनकी और अमारात की, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, इनके ताल्लुकात की जो हंडिया थी ना, वो बीच चौराही पे फूट गई। देखिए, सूरत हाल ये है कि दुनिया को ये बताया जा रहा है कि इसराइल, खासकर अरब ममालिक को, अगर आप इसको तस्लीम करेंगे, आप में पैसे की रेल बेल, आप में इंटरनेशनल कोई पाबंदी नहीं होगी, हर तरह से आपको जो है, आप एक पावर बनेंगे दुनिया में, तो ये सारा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन सूरतयाल में आपको एक चीज़ बताऊं कि मिस्र ने तस्लीम किया, आप मिस्र का हाल देख लें, क्या वो बहुत तरक्की कर गया? उसके बाद उर्दन ने तस्लीम किया इसराइल को, उर्दन को देख लें, क्या बहुत पैसे की रेल बेल आ गई? ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1994 में तकरीबन उर्दन ने तस्लीम किया, तो उससे बाद इसराइल की कोशिशें थी, अब अमारात ने तस्लीम कर लिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, तो अब अभी तस्लीम ही किया था कि इसराइल का बूस्ट, ये सारी चीज़ें वाजे आ गई। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि F-35 अमेरिकन जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, अमेरिका ने कहा कि अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात को देते हैं, उनको उन्होंने बेचने थे, तो इसराइल ने कहा कि आप इनको नहीं दे सकते, इसराइल ने मुखालफत की, तो अरब अमारात तो हैरान रह गए कि हम इनको तस्लीम कर रहे हैं, तो दुनिया में किसी ने मुखालफत नहीं की, तो अमेरिका F-35 तैयारी हमें देने जा रहा है, तो इसराइल इसकी मुखालफत कर रहा है, तो उनको धचका लगा। देखिए, इससे पीछे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब इनका मुआहदा हुआ था, इसराइल को तस्लीम किया था मुत्तहिदा अरब अमारात ने, तो मुआहदा हुआ था कि फ़लस्तीन के मज़ीद इलाकों पर इसराइल कब्ज़ा नहीं कर सकता, इसराइल ने जहाँ पर है वहीं रुकेगा, अमन होगा इस खित्ते में, बम्बारी नहीं करेगा, उन इलाकों को कब्ज़ा नहीं करेगा, तो ये मुआहदा हुआ था। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि इस मुआहदे के तहत हम तो अमन लाने के लिए कोशिश हमने की, हमने तस्लीम किया, तो इसराइल ने फौरी अगले दिन उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी बात नहीं, हम तो आर्जी तौर पे रुकें, चब्बा में मौका मिलेगा हम ये इलाके लेंगे, ये हमारे हैं। तो ये पहला झटका, पहली मुनाफ़त, पहला धोखा था मुत्तहिदा अरब अमारात को, तो वो स्ट्रिक हो गए। उसके बाद उनको दूसरा धोखा ये दिया गया, उनको ये बताया गया था कि आपके पीछे ही सऊदी अरेबिया, आपके पीछे ही सूडान, बहरीन, ये लाइन लगी हुई है, फौरन इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो आप पहले तस्लीम करें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो अब उसके बाद सऊदी अरेबिया ने तस्लीम नहीं किया, और उसके बाद मैं ये भी बताऊं कि बहरीन और सूडान, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने तो इस हद तक, यहाँ तक इनकार किया। देखिए, सूडान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया हुआ है, वो मईशत के लिहाज से वो बेचारे पिसे हुए हैं,
तो अमेरिका की नजर में ये था कि सूडान तो कोई ऐसा मसला ही नहीं, सूडान तो फौरी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अमेरिकन वजीर खारजा माइक पोम्पियो सूडान पहुंचे तो बड़े एक जो बड़ा जाता है वहां, उसके पीछे गाड़ियों ये वो किसी को वासराय आ रहा होता है, तो वहां गया, वहां जाके उन्होंने कहा कि आप कबूल करें फौरी। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया माइक पोम्पियो के मुंह पे, उन्होंने कहा हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इतना बुरा कभी भी नहीं हुआ। पहले मुआहदे होते हैं कि वजीर खारजा आ रहा है यही चीजें मिलेंगी, तो कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद बहरीन को उन्होंने कहा, बहरीन ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, बहरीन ने कहा हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो मुतहदा अरब अमारात तो भूखला आ गया कि ये क्या हुआ, मुझे तो ये कुछ कहा गया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया की बारी थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI जो चीफ थे हमारे जनरल फैज हमीद, वो सऊदी अरेबिया गए। वहां पे सारे मामलात A to Z सारा कुछ हुआ। सऊदी अरेबिया ने वाज़ेह जवाब दे दिया, हम तो तस्लीम नहीं कर रहे इसराइल को, जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनका मुल्क नहीं मिलेगा, इलाके नहीं मिलेंगे, हम कभी भी नहीं कर सकते। तो फिर मुतहदा अरब अमारात मजीद फंसता चला गया। तो ये सारे जब दुखे और रही सही, सोने पे सुहागा ये हुआ कि अमेरिका ने F-35 तैयारे जब देने का ऐलान किया, तो इसराइल ने फौरी जब उसकी मुखालफत की, तो फौरी मुतहदा अरब अमारात ने उनकी मुआहदा था, मिलना था, सारे उनके जो अहदेदारान आने थे, तो उन्होंने फौरी जवाब दे दिया कि हम कोई किसी से नहीं मिलेंगे। यानी वहीं सारा कुछ स्टॉप हो गया, तो उनके प्लान धरे के धरे रह गए। वो कहते हैं ना चोरों को मजीद चोर पड़ गए, तो वो तो बस होगी, चाह कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि F-35 जो तैयारे हैं ये रिडार सिस्टम में भी नजर नहीं आते, ये पकड़े नहीं जाते, जदीद लड़ाका तैयारे हैं ये, जदीद रिडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ऐसे ये जबरदस्त अमूदी प्रवास करने वाले लड़ाका तैयारे हैं, जंगों में फैसला कुन किरदार का हामिल समझा जाता है। तो इतने ये जबरदस्त तैयारे अमेरिका ने इस पूरी दुनिया में इसराइल के अलावा सिर्फ अपने दो करीब तरीन इतिहादियों को दिए, जिनमें जापान और जनूबी कोरिया है, बाकी किसी को भी नहीं दिए। इस मशरक वुस्ता में ये जो अरब ममालिक है इसमें सिर्फ इसराइल को दिए और किसी को नहीं दिए। तो इसराइल की तकलीफ ये उन्होंने कहा कि इनको नहीं मिलने चाहिए। तो ये सारा जो सिनारियो बना, तो चाहे ये जो मुतहदा अरब अमारात थी अब वो फौरी स्ट्रिक हो गई, वो रुक गई। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे सऊदी अरेबिया में जब आर्मी चीफ गए तो उन्होंने जवाब दिया, तो अमेरिका बौखला गया कि ये क्या हो गया, सऊदी अरेबिया ने जवाब दे दिया। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि अब सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं किस तरह। अब यह खबर आ रही है कि 31 अगस्त को, इसी माह यानी अभी 4 दिन 3 दिन बाद, 31 अगस्त को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका था, अमेरिका का विजिट था, अमेरिका का दौरा था। और वहां पे अब खबर ये आई है, ये जो सर्कुलेट खबर कर रही है कि वहां पे इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से वहां मुलाकात तय थी, जो खुफिया अमेरिका में इसराइली वजीर आजम ने आना था, इधर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जाना था, और खुफिया मुलाकात तय थी। और वो जो मुलाकात की खबर जब लीक हुई तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान डट गए, उन्होंने कहा कि आप इसका मतलब मुझे बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये दौरा ही नहीं कर रहा। उन्होंने अमेरिका का दौरा करने से इनकार कर दिया है। वो अरबी शहजादा डट गया है, अब भी खून जोश मारा, वो डट गया। तो देखिए, ये फरवरी की मैं बात करूं, अगर फरवरी में भी ऐसा ही हुआ था, ये खबर लीक कर दी गई थी कि वहां अमेरिका में मुलाकात होगी इसराइली वजीर आजम से, तो तब भी ये मामला, अब फिर उनको ये बार बार, और ये खबर जो लीक कर रहे हैं वो इसराइली मीडिया है, वहां से ये खबर लीक हो रही है। देखिए, जो बादशाह ये तो बिल्कुल इसराइल के मामले में उनको तस्लीम नहीं करना चाहते, बहुत हार्ड लाइन है, लेकिन जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है ये थोड़ा सॉफ्ट लाइन है, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। तो ये सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इदारे देख रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, जो जो वो मिलकर प्लान बना रहे थे एक एक नाकाम हो चुके हैं, जितने अरब ममालिक थे सब ने इनकार कर दिया, अब अमारात फंस चुका है, वो भी उसने भी अभी मिलने से इनकार कर दिया। ये इंटरनेशनल सूरत हाल है। तुम जितनी भी चाल चलो, वो कुरान मजीद में है ना, तुम जितनी भी चाल चलो, लेकिन एक चाल अल्लाह चलेंगे जो तुम सबसे बेहतर होगी, और अल्लाह अपने बंदों से काम लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो 27 रमजानुल मुबारक की मुबारक रात को बना था, तो ये दुनिया में फैसले करने के लिए हाँ और ना ये पावर आने वाले दिनों में होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो इंटरनेशनल बनती हुई नजर आ रही है, मजीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ लेके आएंगे। नाज़रीन इकराम, चांद TV को देखने का बहुत शुक्रिया, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल का भी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नी के बाद।